हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द क्लास. आई एम तमसा त्यागी, योर बायोलॉजी एडुकेटर फ्रॉम अड्डा 247. सो कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया है? हाँ, एवरीथिंग गोइंग गुड? यस और नो? रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? चलिए, ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फर्दर चैप्टर्स. आगे फर्दर टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं हम, ठीक है? लेट्स टॉक फर्दर नाउ. सो सबसे पहले बेटा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इनफर्टिलिटी. ठीक है, क्या हम डिस्कस करेंगे आज? इनफर्टिलिटी. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था MTP और STDs के बारे में. सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में क्या लार्ज नंबर ऑफ कपल्स रहते हैं, है ना? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत सारे कपल्स रहते हैं एंड या इंक्लूडिंग इंडिया, एंड दीज आर इनफर्टाइल. ओके, सो दीज कपल्स आर वॉट? इनफर्टाइल. अब इस बात का क्या मतलब है इनफर्टाइल का? यानी दे आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ. इनफर्टाइल का क्या मतलब है? इनफर्टाइल का मतलब है नॉट केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ. ठीक है, कि अभी बर्थ देने के लिए केपेबल नहीं है, राइट? दैट इज दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. कि ये अभी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन. इन स्पाइट ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन, यानी कि दे हैवेंट यूज्ड, दे आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, है ना? कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस किड्स. सो दिस इज वॉट, दिस इज इनफर्टिलिटी. इसको हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी. सो अब ये प्रॉब्लम जो है अपने इंडिया में काफ़ी बड़ी है. ये प्रॉब्लम कैसी है? काफ़ी बड़ी है हमारे इंडिया में. वाई वाई इज इट सो बिग? द रीज़न बींग कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कपल्स. क्योंकि बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे कपल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, दीज आर इनफर्टाइल. वो इनफर्टाइल रहते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन्स वन बाय वन. देयर कुड बी फिजिकल रीजन्स, देयर कुड बी कॉन्जेनाइटल रीजन्स, there could be diseases which are responsible for it, there could be certain drugs which are responsible for it, या फिर कभी कभी reasons आपका immunological reasons भी हो सकते हैं या psychological reasons भी हो सकते हैं, ठीक है? So infertility के क्या क्या reasons हैं, इनफर्टिलिटी के क्या क्या reasons हैं, what are the reasons of infertility? सबसे पहला आता है physical. सबसे पहला रीज़न क्या रहता है? फिजिकल. सो फिजिकल का क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? फिजिकल मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी के अंदर. इट कुड बी एनी फिजिकल प्रॉब्लम इन द बॉडी दैट कुड लीड टू द इनफर्टिलिटी. कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है, कॉन्जेनाइटल का क्या मतलब होता है? हाँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्जेनाइटल? सो कॉन्जेनाइटल बेसिकली आपके बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है. दिस इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है? ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है. दिस इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. सो इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. देन इसके अलावा आता है डिजीजेस. देर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेस ऑल्सो बेटा. बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं, डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है? तो डिजीजेस में क्या क्या आता है? व्हाट ऑल आर देयर इन द डिजीजेस? अलग अलग तरह की डिजीजेस हो सकती है, STDs भी हो सकती है, जो कि इनफर्टिलिटी को लीड करती है. ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर किसी को STD है तो दैट ऑल्सो लीड्स टू इनफर्टिलिटी. एंड नॉट जस्ट द STDs, इसके अलावा भी और बहुत सारे जो डिजीजेस हैं दैट कुड कॉज द
इनफर्टिलिटी, देन देयर कुड बी ड्रग्स ऑल्सो, ड्रग्स भी रीज़न हो सकता है. अब ड्रग्स कैसे रीज़न होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अडिक्टेड होते हैं ड्रग्स को लेके, है ना. सो ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द ड्रग्स देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग करेक्टली, एंड वहाँ पे आपके हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो एकदम से हैम्पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे भी अफेक्ट पड़ता है, एंड यस इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, राइट. देन देयर कुड बी सम इम्यूनोलॉजिकल रीजंस एज वेल, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं. अब इम्यूनोलॉजी में क्या आता है, व्हाट ऑल इज देयर इन द इम्यूनोलॉजी, हाँ इम्यूनोलॉजी में क्या आता है, व्हाट इज देयर इन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल रीजन में क्या आता है बेटा जी, यस व्हाट ऑल इज देयर इन द इम्यूनोलॉजी, क्या कह रहे हो, हाँ इम्यूनोलॉजी में, वेरी नाइस. सो इम्यूनोलॉजिकल रीजंस में आपके काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, आपके इम्यून सेल्स ढंग से काम नहीं कर रहे होते हैं, है ना. वहाँ पे मे बी द इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू डिटेक्ट द पैथोजेंस करेक्टली एंड एक्ट फॉर देम. सो ड्यू टू सर्टेन इम्यूनोलॉजिकल रीजंस आल्सो इनफर्टिलिटी अकर्स, क्लियर. देन उसके बाद देर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल रीजंस एज वेल, क्या होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं. अब साइकोलॉजिकल में क्या आता है, व्हाट ऑल इज देयर इन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में क्या आता है, साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल, हाँ दैट इज साइकिक, रिलेटेड टू द मेंटल मेंटालिटी, ओके. सो दीज आर द मेंटल प्रॉब्लम्स, माइंड वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी देयर कुड बी इनफर्टिलिटी. तो ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भाई क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए. अब हमें ये देखना है, अब बेसिकली हमें ये देखना है कि यहाँ पे इस इनफर्टिलिटी को क्योर कैसे किया जा सकता है, है ना. इनफर्टिलिटी को कैसे क्योर किया जा सकता है, व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन ट्रीट इनफर्टिलिटी वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहाँ पे ये करेक्शंस पॉसिबल नहीं होती. सो द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. सो ऐसे कपल्स जो कि हु आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, है ना, जो एक चाइल्ड बर्थ में उनका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना हेल्पफुल नहीं है एंड दे आर इनफर्टाइल, तो ऐसे कपल्स को एक असिस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उनको असिस्ट किया जाता है, यानी कि उनको हेल्प किया जाता है, राइट. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है. सो दीज आर हेल्प्ड थ्रू द आर्ट, दीज आर हेल्प्ड थ्रू द आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART, ठीक है. इसको क्या कहते हैं, ART. नाउ द नेक्स्ट थिंग पॉपुलरली नोन एज, सबसे पहली चीज़ हमारी, जो सबसे पहली आर्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले, अलग अलग तरह की आर्ट्स होती हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. सो सबसे पहली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है, IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है. IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके. सो IVF को पॉपुलरली हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इसको हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. वी ऑल्सो कॉल इट एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. यहाँ पे क्या होता है, ओवा फ्रॉम द वाइफ और द डोनर, ठीक है, वाइफ या डोनर से क्या ओवा को कलेक्ट किया जाता है, ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइफ और डोनर और फीमेल, एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, दैट इज द मेल.
तो हस्बैंड या डोनर से क्या कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं. दीज आर कलेक्टेड टुगेदर, कलेक्ट करने के बाद में दीज आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट. ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या बनाया जाता है, जायगोट बनाया जाता है अंडर सिम्युलेटेड कंडीशंस. कैसी कंडीशंस में, सिम्युलेटेड कंडीशंस में बनाया जाता है इन द लैबोरेटरी. राइट, वेयर आर दे मेड, इन द लैबोरेटरी, सिम्युलेटेड कंडीशंस में लैबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है जायगोट. एंड बेसिकली व्हाट ऑल इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा, मतलब बेसिकली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना. ओवा को लिया मदर से, ओवा को लिया मदर से, है ना, मदर से ओवा को लिया. इधर फादर से किसको लिया, फादर से लिए स्पर्म्स, फादर से लिए स्पर्म्स, दोनों को फ्यूज कराया और क्या बन गए आपके, जायगोट, है ना, क्या बन गया, जायगोट. सो दिस इज व्हाट, जायगोट बन गया, फादर से लेके स्पर्म्स लेके जायगोट बन गया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फर्टिलाइजेशन. क्या है ये, है तो फर्टिलाइजेशन, दिस इज फर्टिलाइजेशन. ओके, दिस इज फर्टिलाइजेशन. सो यहां पे जो ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, क्या ये बॉडी के अंदर हुआ या बाहर हुआ, क्या ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ या बॉडी के बाहर हुआ, हाँ, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, बॉडी के बाहर. सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल इट एज, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्लियर है, डन है, आ गया सबको समझ में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. चलिए, वेरी नाइस. सो दीज आर हैपनिंग अंडर द सिमुलेटेड कंडीशंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज है. सो देखो किस तरह से होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जरा इसको हम देख लेंगे. यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है. ठीक है, यहाँ से दिस इज योर ओवरी, ओवरी में से क्या निकाला, डायरेक्टली ओवा को निकाल लिया. किसके थ्रू, नीडल के थ्रू. सो देर देर इज, दिस इज नोन एज बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन मेथड होता है, जहाँ पे आपके ओवा को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया. राइट, एंड फिर उसके बाद में इस ओके, सो दिस इज डन. ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी. अच्छा, सो पहले क्या दी जा रही है, सबसे पहला स्टेप यहाँ देखो, एक एक स्टेप वाइज चलते हैं, है ना. सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे, हार्मोन थेरेपी दी जा रही है. किस लिए, ताकि ओव्यूलेशन हो सके, यानी यहाँ पे हार्मोन्स को डाल के ओव्यूलेशन को बढ़ाया जा रहा है, ताकि यहाँ से एग रिलीज हो पाए. अब यहाँ पे एग को पिकअप कर लिया, एग को निकाल लिया. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइड में क्या चल रहा है, मेल से, मेल डोनर या फादर से क्या ले लिए गए, स्पर्म्स ले लिए गए. ठीक है, मेल डोनर या फादर से क्या ले लिए गए, स्पर्म्स ले लिए गए. सो स्पर्म्स आर टेकन फ्रॉम हियर, यहाँ से स्पर्म्स लिए गए, स्पर्म्स आर टेकन. दीज आर इन्फ्यूज्ड वेयर, इन द ओवम. इस तरह से एग के साथ उसको फ्यूज करा दिया गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका, फर्टिलाइजेशन. सो बेसिकली यही आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है. अब यहाँ से क्या होएगा, आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होएगा, है ना. अब क्या होएगा, आपका एम्ब्रियो डेवलप होएगा. बेसिकली योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैपेंस हियर नेक्स्ट. ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप करेगा. एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में अब जैसे ही देखो आपका एम्ब्रियो जो है वो या तो वो कौन सा, जायगोट को ले सकते हैं या फिर मोरुला स्टेज भी हो सकती है. ठीक है, तो 8 सेल तक की स्टेज को अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होएगा, वो फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, 8 to 16. और अगर उससे ज़्यादा का आपका स्टेज होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो यूट्रस में इम्प्लांट होएगा, है ना. तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र.
सो कहने का मतलब ये है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज डन? फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है आपका? यस, एम्ब्रियो का ट्रांसफर है ना, क्या होता है? एम्ब्रियो का ट्रांसफर, एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है. क्लियर है? डन है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है. अब ये आईवीएफ के बाद में जो ईटी हो रहा है, यानी जो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है, अब या तो ये फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, ईदर इट विल बी इन द फैलोपियन ट्यूब, डिपेंडिंग की आपके एम्ब्रियो की स्टेज क्या है. ये किस चीज पे डिपेंड करता है? स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, है ना. तो या तो ये ट्रांसफर आपका फैलोपियन ट्यूब में होगा, या फिर कहाँ होएगा? यूट्रस में. ठीक है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है. क्लियर है? डन है. चलो, नाउ जायगोट और अर्ली एम्ब्रियोज, जायगोट या फिर जो अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जहाँ पे ब्लास्टोमियर्स कितने रहते हैं? 8 ब्लास्टोमियर्स तक रहते हैं. तो वो आपके कहाँ ट्रांसफर होंगे बेटा? दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन योर फैलोपियन ट्यूब. यही मैंने आपको बताया था कि या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होएगा या यूट्रस में ट्रांसफर होएगा. तो अगर तो वहाँ पे जायगोट से लेके, है ना, इस तरह से जायगोट से लेके टू सेल्ड, फोर सेल्ड, या फिर इवन की 8 सेल्ड तक की भी कंडीशन है, है ना, इवन की 8 सेल्ड तक की भी कंडीशन है, तो आपका क्या होने वाला है? जायगोट 2 सेल्ड, 4 सेल्ड एंड 8 सेल्ड. अगर ये भी कंडीशन है तो आपका क्या होगा? द ट्रांसफर विल बी इन द फैलोपियन ट्यूब. दीज आर बेसिकली द ब्लास्टोमियर्स. और अगर 8 सेल्ड के बाद की जितनी भी स्टेजेस होंगी आपकी, 16, 32, ब्लास्टोसिस, तो ये सारे आपके यूट्रस में होंगे. सो दिस इज स्पेसिफिकली नोन एज इंट्रा, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये आपका फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है ना बेटा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. और क्योंकि जायगोट का हो रहा है तो हम बोलते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. क्या कहते हैं हम? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना. क्या है ये? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. क्लियर है ये बात? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. डन है. सो दिस इज बेसिकली, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ZIFT. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं? ZIFT, ZIFT. ठीक है, क्या बोलते हैं? ZIFT. तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, जैसा ZIFT है उसी तरह एक और आगे हम ZIFT भी पढ़ेंगे. तो कई बच्चे ZIFT और ZIFT में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, आपको वो कन्फ्यूजन्स नहीं रखने हैं. ठीक है ना. चलो, यहाँ पे देखो ZIFT में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. सो ये आपका जायगोट है, जायगोट फॉर्म कर दिया. इसको डायरेक्टली देखो, ये जायगोट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. ऐसे ट्यूब फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाली हुई है और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपके जायगोट को इम्प्लांट कर दिया, यानी ये क्या हो गया आपका? एम्ब्रियो का ट्रांसफर. ये क्या हो गया? एम्ब्रियो का ट्रांसफर.
ठीक है, डन, दिस इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर दैट हैज हैपेंड हियर. अब आते हैं एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियस, है ना, एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियस. सो दीज आर ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्रस. ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं बेटा जी, ये आपके यूट्रस में ट्रांसफर होते हैं. एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियस, दीज आर ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्रस. सो सी हियर, ये आपका एम्ब्रियो है इस तरह से, दिस इज द एम्ब्रियो, है ना, और ये क्या होने वाला है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियस, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाला होने वाला है ये आपका. इसका ट्रांसफर हो रहा है इनसाइड द यूट्रस, देख रहे हो, इसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. क्या है ये, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, दिस इज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, दिस इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. क्लियर, डन 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 डन, चलो ओके. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, ये एक और दूसरा मेथड है, ठीक है. दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे जेफ्ट, आई टोल्ड यू ना जेफ्ट, देर इज वन थिंग कॉल्ड जेफ्ट और एक दूसरी चीज होती है जिफ्ट. एक चीज होती है जेफ्ट और दूसरी चीज होती है जिफ्ट, ठीक है. तो जिफ्ट में क्या है, आपका गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, है ना, यहाँ पे क्या है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है. सो हियर देर इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम विच इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर. यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो ओवम का हो रहा है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, ठीक है. ये कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, ये डोनर से कलेक्ट हो रहा है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब. कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, दूसरी फीमेल के में जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. ये एनवायरमेंट ज़रूर प्रोवाइड कर पा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए एंड इवन फॉर फर्दर डेवलपमेंट, है ना, यहाँ से आपके फर्दर डेवलपमेंट भी हो रही है. बात समझ में आई. सो ऐसी फीमेल्स जो हैं वो गैमीट्स ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती, दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स, देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट हियर. सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, दूसरी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है. बट कैन प्रोवाइड फॉर श्योर, शी कैन प्रोवाइड द सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरमेंट जरूर प्रोवाइड कर सकती है एंड इवन फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ओके, क्लियर, फिर से क्लियर. चलो ये यहाँ पे देखो आप लोग, सी हियर, हैव अ लुक. ये यहाँ पे इस तरह से नीडल डाली जा रही है, स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जा रहा है, ये आपके एग्स हैं. सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग हियर. बट आपने क्या देखा, यहाँ पे एग को बाहर से डाला गया, है ना, यानी कि फीमेल गैमीट को बाहर से डाला गया और तब उसके बाद में जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ. तो यहाँ पे ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, राइट, फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, बाहर नहीं हो रही, ठीक है, अंदर होती है. चलो, सो दिस इज जिफ्ट, इसको गिफ्ट मत बोलना, जिफ्ट बोलते हैं इसको, दिस इज जिफ्ट एंड दैट इज जिफ्ट. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है,
किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो. हाँ, इज एवरीथिंग क्लियर विद यू ऑल? यस और नो स्टूडेंट्स? डन डन यहाँ तक? चलिए, ऑल राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो किया जा रहा है. वेयर अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, ताकि एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सके, है ना. टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सो दैट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सके इन द लैबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. जहाँ पे स्पर्म डायरेक्टली कहाँ इंजेक्ट हो रहा है? डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट हो रहा है. ओके, सो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर. एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जहाँ पर एम्ब्रियो जो है इन द लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ बेटा जी मेल्स के साथ प्रॉब्लम होगी, राइट. एंड इस प्रोसेस को जहाँ हम ओवम के डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर हम स्पर्म्स की इंजेक्शन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दैट इज ICSI. क्या बोलते हैं इसको? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, दिस इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वेयर द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. क्लियर? डन. अब जरा ICSI को देख लो फटाफट से. सो दिस इज द एग साइटोप्लाज्म. ओके, ये आपका एग है, राइट. ये आपका होल्डिंग टूल है यहाँ पे. एंड दिस इज द स्पर्म विच इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग यूजिंग अ फाइन नीडल. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फाइन नीडल के थ्रू स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना. साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है. एंड ये आपकी इंजेक्टिंग नीडल है. इस तरह से स्पर्म यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है. ठीक है, दिस इज द इंजेक्टिंग नीडल हियर. This is the injecting needle here, and this is how it is transferred inside the ovum. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ovum के अंदर transfer इसको किया जा रहा है. ठीक है, done है, clear है, okay है. चलो अब आते हैं artificial insemination पे. ठीक है, now let's talk about artificial insemination. So what do you mean by artificial insemination? क्या है इसमें? हाँ जी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट. ये मेल पार्टनर्स की क्या होती है? ये मेल पार्टनर्स की इनएबिलिटी होती है. दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर्स टू इंसेमिनेट द फीमेल, ताकि वो फीमेल को क्या कर सके? फीमेल्स के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट कर सके ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट. क्योंकि वहाँ पे स्पर्म काउंट कैसा है? काफ़ी लो है, काफ़ी कम है. ठीक है, दैट इज़ वेरी लो इन द स्पर्म काउंट इन द इजैक्युलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. और ये करेक्ट कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से करेक्ट हो सकता है. ठीक है, कैसे करेक्ट हो सकता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से ये करेक्ट हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, दैट इज AI टेक्निक. इसको AI कहते हैं. ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अलग से स्पर्म्स को यहाँ इंजेक्ट किया जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड. यहाँ पे सीमन को या तो हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाता है. या तो हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है या हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाता है. एंड दिस इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड,
है ना, इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर इनटू द वेजाइना, या तो डायरेक्टली वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और इनटू द यूट्रस, या तो डायरेक्टली वेजाइना में या फिर यूट्रस के अंदर इनको क्या करा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑफ द फीमेल, एंड दिस इज नोन एज IUI. This is known as IUI, that is intrauterine insemination. This is known as intrauterine insemination, that is IUI. Clear हो गई ये सबको बात? इसको हम क्या कहते हैं, intrauterine insemination. Artificially inseminate कराया जाता है directly into the uterus. Done, clear. तो काफी easy चीजें हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है. अब आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, सिंपली देख लो मतलब क्या हो रहा है. ये आपके स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स मेल से कलेक्ट किए गए थे, है ना, ये फादर से कलेक्ट किए गए हैं, या जो भी हेल्दी डोनर होता है, हेल्दी मेल डोनर से भी ले सकते हैं डिपेंडिंग, तो इनसे कलेक्ट किए जाते हैं. And then these are introduced. ये कहाँ introduce किए जा रहे हैं sperms? These are injected inside the uterus. है ना, uterus के अंदर ये inject किए जा रहे हैं. These are injected inside the uterus. This is how these are injected. ठीक है, इस तरह से uterus में ही inject हो जाते हैं. Clear? Done? So this is what? This is artificial insemination. अब आता है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट. लेट्स सी ऑल द क्वेश्चंस नाउ. सो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया है ये, ठीक है, आर्ट का, इनफर्टिलिटी का. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विद यू, है ना, सबको समझ में आ गया इनफर्टिलिटी, क्लियर है सबको, डन है इनफर्टिलिटी, अच्छे से समझ में आया. All right, great. So female gametes are transferred to the fallopian tube in the GIFT procedure. Is it possible to transfer the gametes to the uterus? क्या ये possible है कि हम gametes को uterus में transfer कर दें? क्या ये possible है कि हम gametes को uterus में transfer कर दें? हाँ, is it possible? Is it possible? Female gametes are transferred to the fallopian tube in the GIFT procedure. Is it possible to transfer the gametes to the uterus? क्या हम gametes को uterus में transfer कर सकते हैं? कर सकते हैं? Possible है? Female gametes transferred to the fallopian tube in the GIFT procedure. Is it possible to transfer the gametes to the uterus? है कि नहीं? यस ऑब्वियसली, तभी तो ये होता है. हाँ, गैमेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? हाँ, फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, पर क्या हम यूट्रस में कर सकते हैं? देखो, ट्रांसफर तो कर सकते हैं, गैमीट का ट्रांसफर तो होता ही है, लिखा है ना, गैमीट का ट्रांसफर होता है, बट ये पूछा है कि क्या यूट्रस में हो सकता है. सो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यूट्रस के अंदर देयर कांट बी यू नो फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर आपका सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में ही होता है. फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर आपका कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर. तो वहाँ पे यूट्रस का कोई रोल नहीं, यूट्रस में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. सो हेंस इट इज GIFT, हेंस इट इज GIFT. ओके, चलो अगला नेक्स्ट सवाल आया है. एक्सप्लेन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर इन ब्रीफ. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF, और आपको यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज ET, को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. करिए. IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इज इट पॉसिबल?
हाँ यस करो करो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मदर से हम क्या लेते हैं? ओवा। मदर से ओवा कलेक्ट करते हैं और फादर से हम क्या लेते हैं? फादर से हम लेते हैं आपका स्पर्म्स। ओके, दोनों को क्या कराते हैं? फ्यूज। यहां से आपका क्या बन जाता है? एग। सॉरी माय बैड। सो यहां से आपका क्या बन जाता है? जायगोट। एग एंड ओवा इज द सेम थिंग। यहां पे आपका क्या बन जाता है बेटा? जाय। क्या हो गया? अरे बाप रे। हाँ तो यहां पे आपका बन जाएगा बेटा जायगोट। राइट, जायगोट ही बनेगा। ठीक है, सो ये प्रोसीजर जब आपके किसी भी फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है ना, तो ही इसको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर की, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका फर्दर जो एग, इसमें जो फर्दर आपका जायगोट है ना, इसमें जो फर्दर आपका जायगोट है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? वेयर इज दिस जायगोट ट्रांसफर्ड? इस जायगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा? वेयर इज इट ट्रांसफर्ड? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, जायगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? क्विकली एवरीबडी, वेयर इज इट ट्रांसफर्ड? वेरी नाइस। अगर तो ये 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज का है ना, अगर तो ये 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक का है, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इन दी फैलोपियन ट्यूब। और अगर तो ये क्या है, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा स्टेज है, इफ इट इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो इसको क्या बोलेंगे? 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे इसको हम? बोलो जल्दी। यस, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन दी यूट्रस। ओके, सो दिस प्रोसीजर इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये प्रोसीजर आपका इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर रहेगा और ये वाला प्रोसीजर आपका इट विल बी योर सिंपली जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? यही होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, यही होता है। सो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज योर एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर। डन 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 एवरीबडी डन? यस डन है। चलो बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नाउ डिस्क्राइब एनी 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स प्रैक्टिस टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। कोई भी आपको 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताना है जो कि प्रैक्टिस की जाती है ताकि इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सके, है ना, ताकि इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सके। तो कोई भी 3 टेक्निक्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। हम लोगों ने इतनी सारी टेक्निक्स पढ़ ली हैं, आप कोई भी 3 टेक्निक्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। यस और नो, कौन कौन सी 3 टेक्निक्स को आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे? जल्दी बताओ। 8 है आपके पास, बहुत सारे 8s हैं। कौन कौन से? एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑब्वियसली उसी के बाद होता है। देन यू हैव ZIFT,
देन यू हैव GIFT, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही है, दिस इज़ योर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ओनली. देन इसके अलावा यू हैव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यू हैव ICSI, है ना, ठीक है, ये सब है आपके, येस और नो. सो बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपके इनफर्टिलिटी की, आप इनमें से कोई भी टेक्निक को एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दे असिस्ट, दे हेल्प इन वॉट, इन द इन असिस्टिंग बेसिकली, दे हेल्प द कपल्स विच आर इनफर्टाइल, है ना, उनको फर्टिलिटी वापस वहाँ पे रिटेन हो जाए, वापस से दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन. सो उसमें आपका ये हेल्प करता है. क्लियर, डन, डन है, चलो, ओके. इन IVF टेक्निक जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू. IVF टेक्निक के अंदर जो जायगोट है या जो अर्ली एम्ब्रियो है, ये कहाँ ट्रांसफर होता है? सर्वाइकल केनाल, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, वेयर इज इट ट्रांसफर्ड? हाँ जी, वेयर इज इट ट्रांसफर्ड? IVF टेक्निक जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू सर्वाइकल केनाल, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या वेजाइना, बोलिए जल्दी से. यस, इन IVF के अंदर आपका जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ होता है? सर्वाइकल केनाल में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर वेजाइना में? हाँ, that is transferred into what? Transferred into what? कहाँ transfer होता है? Early embryo, fallopian tube, very nice. It is your fallopian tube. और इस procedure को हम क्या कहते हैं? ZIFT. That is जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है, डन है, डन, चलो, ओके. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट? इनमें से कौन कौन सा आर्ट है? दैट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सॉरी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. यस, इट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट हियर बेटा? इज इट IUDs? इज इट GIFT? इज इट ZIFT? और इज इट बोथ BNC? Which of the following is art? IUDs, GIFT, ZIFT या both BNC? बोलो, बोलो जल्दी से. Yes, art कौन सा है इसमें से? Which of the following is art? हाँ, जिफ्ट है, जिफ्ट है, IUDs नहीं है ये. दीज आर वॉट? दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. सो इट इज बोथ BNC. इट इज बोथ BNC. अगेन डन, डन, क्लियर, चलिए, ओके. नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट? हाँ जी, इनमें से कौन सा ऐसा है विच कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी, जो कि इनफर्टिलिटी को क्योर करने में हेल्प करता है ना,
एंड वेयर द मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट, जहां पे मेल पार्टनर्स का स्पर्म काउंट काफी लो है, इट इज वेरी लो. इज इट IUD, इज इट GIFT, इज इट IUI, इज इट नन ऑफ दीज? इज इट IUD, इज इट GIFT, इज इट IUI, इज इट नन ऑफ दीज? IUD, GIFT, IUI, none of these. Yes, बच्चो बोलो जल्दी. हाँ जी. Which of these can be used to cure infertility? Infertility को cure करने में क्या help करता है? IUD करता है. It is a contraceptive device. So how is it gonna help there? No na. GIFT karta hai. Yes. IUI karta hai. Intrauterine insemination. But yahan pe baat ho rahi hai in couples where male partner has very low sperm count. To jahan male ka sperm count low hai, to wo GIFT to nahi ho sakta. GIFT to wahan hota hai जहाँ पे आपके फीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाते, गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, है ना. सो दिस इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. यस और नो? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जहाँ पे मेल्स का स्पर्म काउंट लो होगा और डायरेक्टली इसी वजह से यूट्रस के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है. इट इज इंट्रा डन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. टेस्ट ट्यूब बेबी इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? टेस्ट ट्यूब बेबी इनमें से कौन सी टेक्निक इंप्लाय करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज इंप्लाइड फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी? इज इट IUI, इज इट ICSI, इज इट GIFT, इज इट ZIFT? हाँ जी. Intrauterine insemination, intracytoplasmic sperm injection, GIFT or ZIFT. Test tube baby implies which of the following techniques? क्या होता है test tube baby में? GIFT होता है ना? Embryo transfer. सो IVF के बाद में आपका ET होता है, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर. अगर तो वहाँ 8 ब्लास्टोमियर्स से कम का आपका एम्ब्रियो है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे क्या, सॉरी, ZIFT, दैट इज ZYGOTE इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. और अगर ये ट्रांसफर कहाँ होता है, अगर ये ट्रांसफर आपका यूट्रस में हो रहा है, इफ इट इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. क्लियर? फिर से क्लियर? डन फिर से? यस और नो? हाँ, हो गया ना. चलो ओके. द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इज रेकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड द यूट्रस, हु कैन नॉट प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, या ऑल ऑफ दीज? यस. Technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those females who cannot produce an ovum, who cannot retain the fetus inside the uterus. क्या होता है? Gamete produce नहीं कर सकते ना, ठीक है. हाँ, otherwise वो fetus को retain कर सकते हैं. They can also provide suitable environment. बस क्या कमी होती है कि गैमीट को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है. द ओनली इशू इज दैट दे कांट प्रोड्यूस द गैमीट.
क्लियर डन. सो हेंस इट इज व्हाट कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम राइट. हाँ तो क्या होगा. वेरी नाइस. दिस इज दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ गैमेट है ना. दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ गैमेट. ये गैमेट को नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं. ओके गैमेट को नहीं प्रोड्यूस कर पाते. नेक्स्ट द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इन टू द ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वॉट. जिफ्ट जिफ्ट ICSI या ET. मेथड जहां पे डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन द आर्ट. जहां पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आर्ट में आपका क्या कर रहे हैं डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर. सो दैट इज व्हाट दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. That is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. ठीक है intracytoplasmic sperm injection that is ICSI. Done? Clear? Okay. बेटा इन सब में जितने भी फुल फॉर्म्स हैं जितने भी आर्ट्स के फुल फॉर्म्स हैं ये सारे फुल फॉर्म्स आपको आने चाहिए. ये सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं. ऑल द फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हियर. ठीक है सारे फुल फॉर्म्स यहाँ इम्पोर्टेंट हैं. चलिए यहाँ पे आपका आज चैप्टर एंड हो गया है. सो या ठीक है. सो करियर अपॉर्चुनिटी अगर आपके कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी को लेके कुछ भी कन्फ्यूजन होता है कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है ये कन्फ्यूजन आ रही है तो आप उन कन्फ्यूजन्स को डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. यू कैन आस्क योर डाउट एंड टॉक टू योर टीचर्स अबाउट दैट. ओके एंड फिल द गूगल फॉर्म बिलो. यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए ताकि कोई भी इशू आता है कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको सॉर्ट कर सकते हो है ना. हम लोगों से पूछ सकते हो अगर कुछ भी इशू बनता है. ठीक है सो थैंक यू सो मच. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. जान से पहले सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. एंड बेटा जी अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से अड्डा ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. यू आर गोइंग टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ऐप हियर. आपको यहाँ फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा फ्री डाउट सॉल्विंग फीचर मिलेगा फ्री नोट्स और यूट्यूब सेशंस आपको उनके PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे है ना. फ्री PYQs आपको मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम यू विल बी ऑल्सो गेटिंग द सैम्पल पेपर्स. देन फ्री सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेज मिलेंगी और जितने भी आर्टिकल्स हैं लेटेस्ट अपडेट्स हैं आर्टिकल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी. ओके सो यू कैन डेफिनेटली आस्क ऑल ऑफ योर डाउट्स ऑल्सो हियर. एक बहुत ही अच्छा जो ये फीचर है जहाँ पे आप अपने डाउट्स को जब भी आपको कोई डाउट आता है आप उसको किसी भी समय पूछ सकते हैं. सो इस डाउट को पूछिए यहाँ पे पिक्चर सेंड कीजिए और आपको तुरंत अपना डाउट मिल जाएगा. ठीक है आपको सिर्फ और सिर्फ उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे पास दैट्स है. ठीक है तो बेटा सेशन को लाइक शेयर करते रहिए. सेशन को लाइक शेयर करना बहुत ज़रूरी है जितना हो सकता है आपको उतना सेशन को शेयर करना चाहिए. चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और हमारा चैप्टर बस अभी बिल्कुल अंत पे आ चुका है ना. सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली है. सो ऑलराइट अब आप लोगों को आई डोंट थिंक कि कंप्लीट यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी. द कम्प्लीट चैप्टर इज़ ओवर नाउ. द एंटायर चैप्टर इज़ ओवर. हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. हमने MTPs डिस्कस कर लिया. हमने STDs डिस्कस कर ली. हमने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स डिस्कस कर लिए. हमने आर्ट डिस्कस कर लिए जो कि लास्ट पार्ट था. ठीक है तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो चुका है. यू विल बी नॉट हैविंग मोर सेशंस फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिकॉज दैट वॉज ऑल इन द NCERT.
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द. सो उससे पहले व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आप लोगों की एक कंप्लीट रिप्रोडक्शन यूनिट की मेंटी हो जाए. हाँ, क्या कहते हो, एक कंप्लीट मेंटी हो जाए. हाँ, सो अगर वो हो जाएगी तो आई थिंक आप लोगों का काफ़ी हद तक रिवीजन हो जाएगा. सो वी कैन डेफिनेटली प्लान आउट दैट, उसको हम ज़रूर प्लान करेंगे बहुत जल्द. और या दैट वाज ऑल. थैंक यू एंड बाय बाय एवरीबॉडी. ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर करना सेशन को. ओके, बाय बाय. थैंक यू.